चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नोटबंदी से हमारा सारा फाइनेंस जितना भी था मार्केट का सब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ब्रेक लग चुका बिल्कुल। अगर हमारा प्रोडक्ट पिछले साल 10 रुपए में बिक रहा था और हम उनको उसके लेबर के 2 रुपए दे रहे थे तो वो इस साल 4 रुपए ले रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा 10 में ही बिक रहा है। स्पीड अब ये 3-4 सालों में 5 सालों में 50% के करीब रह गई है। जैसे पहले सेल होती थी, पहले उसके आधा सेल हो गई, महंगाई बढ़ गई। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम अभी सहारनपुर शहर में हैं। सहारनपुर शहर की कई पहचान है, लेकिन एक जो यहाँ की एक बहुत बड़ी पहचान थी वो यहाँ का वुडवर्क, जो यहाँ का एक लकड़ी से रिलेटेड जो एक इंडस्ट्री था जिसमें हैंडीक्राफ्ट भी आता है, फर्नीचर भी बनता है, और एक यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सहारनपुर की पहचान की एक अहम कड़ी ये भी है। और इस इंडस्ट्री में लगभग 2.5 से 3 लाख डायरेक्टली 2.5 से 3 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको रोजगार मिलता है। अभी हमारे साथ कुछ एक्सपोर्टर्स और उसी के साथ साथ कुछ डोमेस्टिक मार्केट में जो ये वुडवर्क प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो हमारे साथ हैं। आप सभी का सीसीए में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। अयाज साहब, आप एक्सपोर्टर हैं इसके? जी। एंड क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, सब कुछ? फर्नीचर है, हाउस होल्ड्स है, और डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो यूरोप की मार्केट में हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। तो लेकिन पिछले 5 साल से इंडस्ट्री काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कुछ इन्फ्लेशन है, महंगाई हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो हमें कॉम्पीट करने में जैसे चाइना है और दूसरे दीगर कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इस टाइम। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं मेन जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो जैसे सबसे पहले GST, जिसमें हमारे इस प्रोडक्ट पर 18% 12% के करीब GST है, और वो हमें जमा करनी पड़ती है एक्सपोर्ट अपनी करने से पहले, या हमारे बिल के अगेंस्ट वो जमा होती है। लेकिन उसका रिफंड लेने में हमें जितनी तकलीफें हमें का सामना करना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली फंड वो एक तरीके से जमा हो जाता है। आगे हमें हमारा सर्कुलेशन है, साइकिल है, वो सारे हमारे इफेक्ट होते हैं, उन पर असर आता है बहुत ज़्यादा फंड्स के लिए मेनली, क्योंकि ये ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में लेबर जो है इसको हमें कैश पेमेंट करनी होती है, और दीगर कामों में हमें ज़्यादातर कैश पेमेंट करना होता है, तो कैश फ्लो हमारा रुकता है। दूसरे, हमारे फंड सारे एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको वापस लेने में हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे आप कह रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स पहले टैक्स एग्जेम्प्ट था जी, और अब उस पर कितना GST लग रहा है? एग्जेम्प्टेड तो अभी भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो हमें रिफंड होता है, वो टैक्स हमें देना पड़ता है। 18% तो फर्नीचर पर है और 12% ये डेकोरेटिव आइटम्स पर है, लेकिन वो जमा होता है सब गवर्नमेंट के पास जा करके, वो हमें फिर रिफंड मिलता है क्वार्टरली, जो हमारे बिल हैं उसके अगेंस्ट में वो जमा हो जाता है। क्योंकि लेट आता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा लेट आता है, और लेने में उसे बहुत तकलीफें होती हैं हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं हमें, रिटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबमिट करने होते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट, तो दीगर ये होता है। इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को सर। मुझे अजमल कहते हैं जी, सहारनपुर का डोमेस्टिक मोस्टली देखता हूँ, वुडन का। आपका डोमेस्टिक ही सेल है? हाँ, मोस्टली डोमेस्टिक ही सेल है। जैसे कि एजाज भाई कह रहे थे, ये सब चीज़ों का सामना डोमेस्टिक वालों को भी करना पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल बढ़ चुका, ठीक है, और आपका एक भी आइटम हार्डवेयर की हो, सरेस हो, मतलब 25-30-50% तक आप ये समझ लीजिए रॉ मटेरियल पे पैसा बढ़ चुका है, और एक्सपोर्टर्स का रेट नहीं बढ़ेगा तो सप्लायर का डोमेस्टिक्स का रेट नहीं भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर के नीचे ही डोमेस्टिक वर्क हो रहा है सारा का सारा। अब एक्सपोर्टर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? कंपटीशन है, ऑल वर्ल्ड में कंपटीशन है, बायर से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बायर कहता है आप नहीं दे रहे हो तो मैं किसी और से बनवा लूँगा, तो आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए हमें डोमेस्टिक वालों को एक्सपोर्टर के साथ अगर जुड़ना है तो हमें भी काम करना पड़ेगा। सारी प्रॉब्लम्स जो एक्सपोर्टर्स फेस करता है उससे कहीं ज़्यादा डोमेस्टिक वाला फेस हम लोगों को फेस करनी पड़ती है डोमेस्टिक मार्केट्स को। नोटबंदी से हमारा सारा फाइनेंस जितना भी था मार्केट का सब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ब्रेक लग चुका बिल्कुल,
मार्केट में पैसे की दिक्कत आई, ऊपर से रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मार्केट इस टाइम बिल्कुल डंप हो गई है, बिल्कुल नीचे गिर गई है। अब दोबारा स्टार्ट हुई थी, दोबारा रनिंग फ्लो में हम सब लोग आए थे, उसके बाद फिर दोबारा से ये आपको देखना ही पड़ रहा है कि फिर एक तरह से कोविड का दोबारा शुरू हो गया है, इस वजह से मार्केट फिर थोड़ा सा स्लो हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम्स को बड़ा फेस करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ की जो मार्केट है हमारी सहारनपुर की, यहाँ से 3 से 4 लाख मुस्लिम्स या हिंदू आप कह लीजिए कि पब्लिक जुड़ी हुई है, मिडिल क्लास की और पुअर पीपल्स जो जुड़े हुए हैं, कारीगर्स लोग जुड़े हुए हैं, वो 3 से 4 लाख से भी ऊपर हैं। अब उनके उनको भी हमें फेस करना पड़ता है, वो कहाँ जाएंगे? हम अपनी प्रॉब्लम्स को तो नहीं बता सकते ना उनको। मुजम्मिल साहब, आप भी क्या डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचते हैं? जी जी, मैं फर्नीचर बनाता हूँ और लोकल में सप्लाई है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया है? जी जी, ठीक है। जहाँ भी जैसे कोई ऑर्डर देता है बना देते हैं। वैसे हमारा शोरूम है आंध्र प्रदेश में, छोटा भाई वहाँ बैठते हैं वुड शॉपी के नाम से, तो यहाँ से माल बनाकर वहाँ भेजते हैं। लेकिन स्पीड अब ये 3-4 सालों में 5 सालों में 50% के करीब रह गई है। जैसे पहले सेल होती थी, पहले उसके आधा सेल हो गई, महंगाई बढ़ गई। ये सब लेबर को देना है, कैश पेमेंट करनी होती है लेबर को, तो ज़्यादातर और लेबर इंक्रीज करती है अपना प्राइस, क्योंकि महंगाई है तो लेबर बढ़ाएगी। हम लोग अगर नहीं, वो हमारी मजबूरी नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, और क्यों समझेंगे भाई, वो मेहनत किस लिए करते हैं? वो पैसा उतना ही मार्केट के अकॉर्डिंग पैसा लेते हैं वो, ना कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट पिछले साल 10 रुपये में बिक रहा था और हम उनको उसके लेबर के 2 रुपये दे रहे थे, तो वो इस साल 4 रुपये ले रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा 10 में ही बिक रहा है। लॉकडाउन में जो असर पड़ा है लॉकडाउन में, और उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि MSMEs ब्रॉडली, मेरे ख्याल से आप सबके व्यवसाय MSMEs में आएंगे, उम्मीद ये की जा रही थी कि MSMEs के लिए एक पैकेज घोषित किया जाएगा। मोदी जी ने कुछ तो बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर कोई बोला कि MSMEs के लिए हम लोग ये घोषित कर रहे हैं, प्रोग्राम्स होंगे बहुत सारे, लेकिन रियलिस्टिकली वो कितना पैसा आप लोगों तक पहुंचा है, कितनी मदद MSMEs को मिली है? क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को असर झेलना पड़ा। नहीं ना, हमें कोई अभी मदद या सहायता किसी तरह की पहुंच पाई? आप लोगों का भी यही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटीज नहीं है, जो पहले रूल्स चलते आ रहे थे उन्हीं को हम जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये देखिए आप, लाखों लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी रॉ मटेरियल हम तक इजीली अवेलेबल हो जाए, हमें मिल जाए सही रेट पर, उसका कोई इंतजाम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मतलब डिमांड कम हुई है और आप लोग को कोई मदद नहीं मिल रही है और कैश फ्लो नहीं कर रहा है मार्केट में, वहाँ तक कितना क्या असर हुआ? क्योंकि हमें तो सुनने में आ रहा है कई सारे लोग छोड़ के रिक्शे। हाँ बताइए, थोड़ा सा बताइए क्या क्या इफेक्ट हुआ है? देखिए, जब एक आदमी काम करता है 8 से 10 घंटा डेली, यहाँ एक वर्कर अमूमन काम करता है 10 घंटे वर्किंग करने के बाद, और वो भी जी तोड़ मेहनत करने के बाद, आप अपने घर को भी सही तरीके से नहीं चला पाएंगे तो क्या करेगा आदमी? वो अपने आर्ट को, अपने उसको उठा के एक तरफ रखेगा कि मुझे पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो यकीनन वो क्या करेगा? वो दूसरे ऑप्शन तलाश करेगा और उधर ही जाएगा जहाँ से उसे, अगर वो इस काम में 400 रुपये कमा रहा है और उसमें उसको 500 नज़र आ रहे हैं तो वो उसको फ़ौरन छोड़ देगा। वो लेबर है, मैं आपको बताऊँ आज सहारनपुर की बात। सहारनपुर में एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट होता है, मशहूर है यहाँ का, जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद। हमारे यहाँ सहारनपुर की खासियत है, यहाँ कार्विंग का काम होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। सहारनपुर की कार्विंग पहचान ही इसी से है, सहारनपुर की वुड कार्विंग से। जो हिस्ट्री है, जो पुराने लोग हैं कार्विंग के करने वाले, जो उनकी नस्ल है जो कार्विंग कर रही है, आप ये देखिए, आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर चले जाइए, आपको 60, 65, 70, 55 जिसका आदमी अब नहीं मिलेगा फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि वो आप ये समझ लीजिए कि उनका जो वर्क है हाथ से करने का वो बेमिसाल है, आपको मिलेगा नहीं। और ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये पास ऑन करते हैं या कहीं सीख कोई इंस्टीट्यूशन है सीखने के लिए? ये पीढ़ी दादा ने किया, फिर फादर पे आया, फिर बेटे पे आया, मोस्टली तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमें शर्म इस बात की आती है कि वो हुनरबाज जो लोग हैं, जिन्हें जरूरत है सहारनपुर को हैंडीक्राफ्ट के लिए, वो आज रिक्शा चला रहे हैं। आर्थिक दिक्कतों के साथ साथ जो एक पूरा स्किल सेट था जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लग जाएगी सारा, सब डिस्टर्ब। अब ये कोई काम सिखाना नहीं चाह रहा उनको, क्योंकि इधर स्कोप नहीं है ना, सीखना नहीं चाह रहे हैं, स्कोप नहीं है ना, सीखना नहीं चाह रहे हैं लोग।
वो चाह रहे हैं हम बेटर हैं कि हम रिक्शा चला लें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 8-10 साल आप सीखने में लगाएंगे काम को, उसके बाद आपकी इनकम शुरू होगी और इनकम भी वो शुरू होगी तो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी। वो चलचित्र अभियान की तरफ से, CCA की तरफ से हम आपको ये वायदा ज़रूर करते हैं कि आने वाले दिनों में एक इस पर भी स्टोरी करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर बताया गया कि मजदूरों को भी कैसे रिक्शा और रेडियो पर आना पड़ गया है, और एक कारीगर वो हैं जो बहुत हुनर का काम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आगे पास ऑन होता था, बहुत हुनर का काम है। कई सारी ऐसी कारीगरी है जो मशीनों से भी नहीं हो सकती है, सिर्फ हाथ से हो सकती है, लेकिन वो लोग आज उस काम से वंचित हो रहे हैं, उन पर भी ज़रूर आप तक एक फीचर लेकर आएंगे। ज़रूरी ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार ये व्यवसाय के रोजी रोटी के मामलों पर भी लड़े जाएंगे, या 80-20 वैसे ही नारों पर फिर से ये चुनाव आकर गिर जाएगा? उम्मीद यही है, या फिर सवाल ये है कि क्या ये 80-20 वाले नारे दिए ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये रोजी रोटी के मुद्दे कहीं ना कहीं दबा दिए जाएं ताकि इन पर चुनाव ना लड़े, जो असली मुद्दे हैं, जो एक आम इंसान को, चाहे वो 80 में आए या 20 में आए या 25, गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, ये मुद्दे सबसे ज़्यादा उनको जो मैटर करते हैं। उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इस बार चुनाव 80-20 पर ना हो, बल्कि जो लाइवलीहुड के इश्यूज़ जो हैं, जो रोज़ी रोटी के जो सवाल हैं लोगों के सामने, उम्मीद है कि चुनाव इस बार उसी पर ही लड़ा जाएगा। CCA में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चलचित्र अभियान के साथ CCA के साथ आप लोग जुड़े रहें, चुनावी खबरें आप तक हम लाते रहेंगे यूपी से।